हाय एवरीवन, मैं राखी फ्रॉम abhilakhi.in और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी जो पेज नंबर 53 पे है, क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स इन आइसोबार्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जानते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं और आइसोबार्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्बन के दो आइसोटोप्स लेती हूँ, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो उनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होंगे लेकिन उनके एटॉमिक मास नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 है, तो इन्हें हम कहेंगे आइसोटोप्स क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है लेकिन एटॉमिक मास नंबर एक का है 12 एंड एक का है 14, तो इन्हें कहेंगे हम आइसोटोप्स। ठीक है, बात करते हैं आइसोबार्स की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम होते हैं, आइसोबार्स उन्हें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और दूसरा मैंने लिया कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आर्गन कैल्शियम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर 18 एंड 20 बट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर। आर्गन का एटॉमिक मास नंबर 40 है एंड कैल्शियम का भी 40 है, सो आर्गन कैल्शियम को हम कहेंगे दीज आर आइसोबार्स और कैल्शियम 12 एंड कार्बन 12 एंड कार्बन 14 को हम कहेंगे आइसोटोप्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी भी एक पेयर की ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, तो दीज आर आइसोबार्स। ठीक है, और ये है आइसोटोप्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए आइसोटोप्स के अंदर जो मैंने ये दोनों पेयर लिए हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? 6 6 है, तो एक तरह से आइसोटोप्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पेयर की वो सेम होगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, K शेल एंड L शेल एंड M शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स इन द ऑर्बिट्स इन द एनर्जी लेवल्स। तो K जो शेल है ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, तो 2। L शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, लेकिन हमारे पास बच गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 - 2 = 4, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो L शेल में चले जाएंगे। तो एक तरह से कार्बन 12 एंड कार्बन 14 की एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और वो है ये। सो दिस इज हाउ वी आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आइसोटोप्स कार्बन 12 एंड कार्बन 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बात करते हैं आइसोबार्स की, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो डिफरेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिस होता है एटॉमिक नंबर, हम एटॉमिक नंबर के थ्रू ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 है और यहाँ पर 20 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन की, तो के एल एम एंड एन, मैं ये आर्गन का बता रही हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम के होल्ड करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एंड 8 10, हमारे पास फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं? 8 और बच गए हैं, एम बी 8, तो 2 8 8, तो आई जो हमारा आर्गन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 8। बात करते हैं हम कैल्शियम की। ठीक है, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 20, 2 8 8। जो एक पर्टिकुलर शेल होती है वो मैक्सिमम, जो मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, वो मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है? 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 8 8 कितने हो गए? 18, एंड वन मोर इलेक्ट्रॉन इज, टू मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, सो वो एन शेल में चले जाएंगे। सो एक तरह से आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2 8 8 और कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2
882। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाती है आइसोबार्स के केस में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है आइसोटोप्स के केस में। मैंने आपको ये दो एग्जांपल्स बता दी हैं, इवन मैंने आपको आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी बता दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिव बिलो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।